और यार जल्दी से इधर आओ, मैं आपको एक गुड न्यूज दिखाता हूँ जल्दी से। यार ये देखो हमारी डब बाहर निकल आई है, और यार ये देखो यार ये वहां से फटे था उस नुकर से, और ये यहाँ से यहाँ पे गिर गया था। ठीक है, तो वापस हमने रात को ही इसको वापस लगा दिया था क्योंकि मौसम खराब था। मैंने कहा यार अगर बारिश आ गई तो यार हमारे जो पैरट्स हैं बड़े खास तौर पर ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, क्योंकि यार इनके ऊपर बारिश ना आए। ठीक है, तो इसी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? यार उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यार आप सब दोस्त सोच रहे होंगे कि यार इतने दिन व्लॉग क्यों नहीं आया। यार उसकी रीज़न मैं बताता हूँ, यार आपको बताऊँ यार हमारे चैनल के ऊपर 100+ वीडियोज़ हो चुकी हैं। ठीक है, और यार उस वजह से यार रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, यार बंदा डीमोटिवेट होता है, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते। यार 100+ वीडियोज़ हो चुकी हैं। ठीक है, और यार कोई लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। मैंने अपनी वॉच हिस्ट्री जाकर देखी अपने यूट्यूब चैनल के अंदर एनालिटिक्स में कि यार 95% लोग जो है ना वो अनसब्सक्राइब हैं, जो यानी चैनल वीडियो तो देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो देख के चल जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, यार डीमोटिवेट हो जाता है बंदा इस तरह से। यार तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। यार एक मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने की ना, तो यार आप सबसे यही अपील है कि यार जल्दी से ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने मिठू से। काफ़ी टाइम हो गया आपको मिठू नहीं दिखाया मैंने। ये देखो मिठू हमारा जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ठीक है, और माशाल्लाह से ये देखो इसकी टेल भी बहुत लंबी हो चुकी है। यार एक बात है यार, इसके ना नेक के ऊपर वो जो निशान आता है अभी तक भी नहीं आया, जो रिंग होता है। ठीक है, अभी तक रिंग नहीं आ रहा इसका। ठीक है, अब तकरीबन इसको ले के आए हुए हमें तकरीबन 4 मंथ होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन 4 मंथ से इसके यार नेक के ऊपर अभी तक रिंग नहीं बना। ठीक है, ना ब्लैक रिंग आया है और ना ही रेड वाला रिंग आया। ये देखो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं आप। ये देखिए मिट्टू बैठा है हमारा, और मिट्टू मिट्टू गुस्सा नहीं होना, हाथ लगाऊंगा तुमको, काट रहा नहीं है। और ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मैं अभी हाथ सिर्फ आगे किया है और ये काटने यहाँ तक आ गया है। यार ये बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया है। जब हम इसको लाए थे तब ये बिल्कुल हैंग टेम था। ठीक है, अब जो है ना ये हैंग टेम बिल्कुल भी नहीं रहा। ठीक है, अब जो है ना ये एंग्री हो गया। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये फुल कॉट था, ये देख रहे हो आप। तो इसलिए जो है ना अभी इससे ना डर लगता है मुझे, मैं बंद ही कर देता हूँ इसको। ये वाला जो इसका ये वाला गेट था ना, ये देखो यहाँ पे हमने ना ये जाली लगा दी थी। ठीक है, तार बल्कि तार बांध दी थी क्योंकि ये मिट्टू है ना हमारा बहुत शैतान है बड़ा। ये दरवाज़ा ऊपर करके ना अपनी चोंच से ये ना यहाँ से बाहर निकल के ना इसके ऊपर बैठ जाता है बार बार ना। जब हमने इसको यहाँ पर तार लगा दी फिर ये इसको खोलने लग जाता था बार बार। ठीक है, लेकिन खैर ये वाली आसानी से नहीं खोलने वाली क्योंकि ये आगे से ये कर्व है यहाँ से, इसलिए यह आसानी से इसको नहीं खोल पाता। तो यार इनके काम चेक करो यार, ये वाला जो हम वाइट वाला मुर्गा लेके आए थे इस मुर्गी के लिए, तो यार हमें यार देसी जो है ना अंडे खाने, यार काफ़ी टाइम हो गया यार कोई अंडा भी नहीं खाया हमने। यार ये भी छोटी थी जब हम इसको लाए थे। ठीक है, अब ये माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है, इसके लिए हम ये मुर्गा लाए थे कि यार इसका ये पार्टनर हो जाएगा। ठीक है, मियां बीवी बन जाएंगे तो यार हमें अंडे देखने को मिलेंगे, हम अंडे खाएंगे। ठीक है, लेकिन यार मुर्गा तो ठीक है लेकिन मुर्गी हमारी शैतान है बड़ी बहुत ज़्यादा। मुर्गा जैसे उसके पास जाता मुर्गी ना दूर दूर भाग जाती। ठीक है, कई मरतबा मुर्गा जाना, ये देखो ये देखो ये देखो वो देखो ये देख रहे हो, ये मुर्गे की निशानी होता है जब जो है ना वो मोहब्बत करने की सोचता है ना, यार ये दूर भाग जाती है खुद ब खुद। ठीक है, अगर मुर्गा इसको पकड़ने की कोशिश भी करता है तो फिर भी ये ना ज़बरदस्ती भाग जाती है यार, तो मज़ा नहीं आता यार। अभी तक हमारे पास कोई अंडा भी नहीं आया। ठीक है, तो इसको यार थोड़ी अकल करनी चाहिए भाई। यार हम इसको लाए थे, ठीक है, इसको लाए थे इसके लिए, लेकिन जो है ना हमें काम नहीं आ रहा। ठीक है, ये और यार जब हम सुबह सुबह सो रहे होते हैं, ठीक है, हमें आजकल ये वाला मुर्गा जगाता है। ठीक है, क्योंकि यार ये असील जो खड़ा है ना, यार ये इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, लेकिन अभी तक इसने कोई अजान भी नहीं दी। अब ये मुझे पता नहीं है, आप सब लोग कॉमेंट में बताओ यार असील मुर्गे भी अजान देते हैं सुबह के वक्त या नहीं देते, क्योंकि देसी है ये तो बहुत ज़्यादा अजान देता है। अगर मस्जिद की आवाज़ हमारे कानों तक ना भी आए ना अजान की, तो यार ये जो है ना हमारे सर के ऊपर खड़ा होता है और जो है ना हमें उठाए देता है, इतनी बार अजान दे देगा ना हमें उठाए देता है। ठीक है, तो यार ये भी इसकी अच्छी बात है कि हमें सुबह के वक्त यही जगाते हैं आजकल। तो यार हमारे पास आज एक दो गुड न्यूज़ है बड़ी। एक गुड न्यूज़ तो ये है, मुझे लगता है कि यार हमारी ऑस्ट्रेलियन तोती जो है वो दोबारा से हुए ना अंडे के ऊपर बैठी हुई है। ये देखिए एक वो एक तोता ये बैठा है, एक ये ऊपर बैठा हुआ है और एक वो बैठा हुआ है, और कम से कम 6 से 7 दिन हो गया है जो तोती है वो उस वाली लोटकी के अंदर है पड़ी। ये वो सामने वाली जो लोटकी है उसके अंदर, वो बाहर भी नहीं निकली। मुझे तो ये शक हो रहा है कि यार हमारी तोती दोबारा से ना अंडे के ऊपर बैठी हुई है और माशाल्लाह से दोबारा इनके बेबीज आने वाले हैं। एक खुशखबरी तो ये हो गई, और दूसरी खुशखबरी ये है, गुड न्यूज़ ये है कि यार आप सबको जैसे कि पता है कि हम डब्स लाए थे इतने प्यारे से, और माशाल्लाह मुझे लगता है उनकी भी गुड न्यूज़ आने वाली है। क्योंकि ये वाली देखें आप, ये वाली जो डब बैठी हुई है और ये काफ़ी दिनों से ना ऐसे बैठी हुई है, हमें इसको उठाया नहीं है।
क्या पता यार इसके नीचे अंडे हो, क्योंकि जाहिर बात है ये इतने दिन से बैठी है, जाहिर बात है कोई ना कोई अंडा तो इसके नीचे होगा ही होगा, ठीक है। इस वजह से उम्मीद करता हूँ यार जल्दी से ये भी बच्चे दे दे यार, इनकी भी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और दोबारा से हमारे जो ऑस्ट्रेलियन तोते हैं ये भी अगर अंडे दे दें, इनके भी अगर बच्चे पैदा होते हैं, तो यार हमारे पास पैरट्स और पैरट्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और हमारे पास उसके साथ साथ डव्स भी जो है ना, इनकी फैमिली भी बड़ी हो जाएगी। हाँ भाई क्या हो गया तुझे, सब्र नहीं होता यार, इसलिए बेचारा बार बार तंग खड़ा कि मुझे बाहर निकालो। आओ भाई आ जाओ बाहर, इसको बाहर ही निकाल देता हूँ, क्योंकि इन्होंने डाइट भी खानी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। आ जाओ भाई, चल भाई चल चल चल, शाबाश। यार अभी तक जो है ना हमारा असील मुर्गा जो है ना वो दुर्गा बेचारा कितनी तो भूख लगी हुई है यार, जल्दी से यार इनको डाइट डालता हूँ। ओह हो बेचारा पागल वो घूम रहा है यार, इतनी तो भूख लगी इसको यार, जल्दी से मैं अंदर जाता हूँ। ओह हो यार इनके मुझे लगता है डाइट भी खत्म हुई बढ़िया, लेकिन थोड़ी बहुत होगी, जल्दी से मैं अंदर से इनकी डाइट लेके आता हूँ यार, इनको डाइट डालता हूँ, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इनकी भूख लगी हुई है यार। ये पड़ी हुआ शॉपर, जल्दी से इसको बाहर लेके चलते हैं, मुर्गियों को डालते हैं यार, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है इनको। आ जाओ भाई आ जाओ, ओ भैया डाइट डालो तुम्हें, ऊपर नहीं आना, ऊपर नहीं चढ़ना, मैं खुद दूंगा तुम्हें, हट जाओ। यार बेचारे को इतनी भूख लगी, मुझे तो पता ही नहीं था यार, ये देखो पड़ी हुई है। ओए होए आज तो बोल रहा है यार, आज बोल रहा है बेचारा, पहले कभी भी नहीं बोल रहा, मुझे लगा इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो इस तरह से करता हूँ। आ जाओ भाई खाओ 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 खाओ, जल्दी करो, और भी ला देता हूँ तुम्हें। यार ये देखो जो असील है वो वाइट को नहीं खाने देता, अब इसको चुप करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। असील ने नहीं देखा, क्योंकि यार ये जो वाइट है अभी तक जो है ना असील से डरता है, मार खाता है उससे, ठीक है, तो फिर इंसान का बच्चा बनता है ठीक ये वाला, क्योंकि हालांकि यार ये बड़ा है फिर भी असील से मार खाता है, पता नहीं क्या रोल है यार इसको। अब इसको मैंने अलग डाल दिया डाइट, और ये देखो वो फिर उसको मारने आ गया, दफा हो जाओ उसको तो खाने दे, वहाँ डालता हूँ वहाँ असील आ जाता है उसको मारने, अब यहाँ उसको डाले तो फिर अब वो वहाँ चला गया, देखो ये फिर उसके पीछे, अब ये फिर उसको वहाँ से यहाँ से भगा देगा, ये देखो ये इसके काम है बड़े। थोड़ी सी और भी डाल देता हूँ यहाँ भी और उधर भी, बल्कि नहीं यार अब ये आ गया इसको खाने दो यार, ये ना असील फिर आ जाए और फिर इस बेचारे को ना मार के भगा दे। और ये वाली डाइट जो है मैं थोड़ी सी डव्स को भी दे देता हूँ, इनकी भी जो है ना डाइट ख़त्म हुई पड़ी। आ जाओ भाई खा लो तुम, ये लो शाबाश खाओ, चल भाई उधर जा वहाँ से खा, वहाँ डाल दिया मैंने, फिर तू यहाँ आ गया, क्या करने आया यहाँ, चलो उधर खाओ। और यार आप देख सकते हैं ये वाला जो चादर लगी हुई है ऊपर, ये वाला पैराशूट का जो कपड़ा लगा हुआ है छत लगी हुई, यार ये भी कल जो है ना बड़ी ज़ोर से बारिश आई है और ये ना यहाँ से फट के नीचे गिर गया था, और आपको मैं बता दूँ यार ये वाला जो कपड़ा है ये ना दो तीन जगह से फट चुका है, ठीक है, जो हमने पठान से लिया था, याद है ना आपको, अगर आपने पिछली वीडियो काफ़ी पुराना व्लॉग है आपने शायद देखा हो तो पता होगा आपको कि हमने ये पठानों से लिया था, ठीक है, पठानों का माल होता ही दो नंबर है, ठीक है, मुझे तो नहीं पता था, खैर तो यार ये वहाँ से फट गया था उस रुकर से, और ये यहाँ से यहाँ पर गिर गया था, ठीक है, तो वापस हमने रात को ही इसको वापस लगा दिया था, क्योंकि मौसम ख़राब था, मैंने कहा यार अगर बारिश आ गई तो यार हमारे जो पैरट्स हैं बड़े खास तौर पे ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, क्योंकि यार इनके ऊपर बारिश ना आए, ठीक है। और यार जल्दी से इधर आओ, मैं आपको एक गुड न्यूज़ दिखाता हूँ जल्दी से, यार ये देखो हमारी डव बाहर निकल आई है, और यार ये देखो अंडा पड़ा हुआ है, ये देखो ओए होए माशाल्लाह मैं नज़र आ चुका, फाइनली एक अंडा दिया हुआ है हमारी डव ने, ये देखिए यार कितना छोटा सा कितना प्यारा सा अंडा है, उसको यार खतरा लग गया यार, ये देखो ये मेरे अंडे के पास आए बैठे हैं, वो दोबारा मैंने डाइट डाली ना इसको, तो ये डाइट खाने के लिए बाहर निकले यहाँ से, और तब मैंने जाकर देखा यार अंडा पड़ा है, माशाल्लाह ये अंडे के ऊपर ही बैठी हुई थी, मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, ठीक है, हमारी जो डव है माशाल्लाह माँ बनने वाली है, और यार जल्दी से माँ बन जाओ जल्दी से, ये ना वहाँ दाना खा रही थी, जैसे मैं इसके अंडे के पास आके बैठा हूँ बाहर से, तो यार ये वापस आ गए, कहीं मेरा अंडा उठा तो नहीं रहा, और भाई नहीं करता कुछ तेरे अंडे को, जल्दी से आप अंडे के ऊपर बैठ जाओ, हम तो ये चाहते हैं कि आप प्यार से बच्चे दे दो बेबी दे दो, ये देखो ये माशाल्लाह दोबारा अपने अंडे के पास आ गए, अब ये देखना अंडे के ऊपर बैठेगी, ये देखो मैं यहाँ से छेड़ता हूँ इसे, चल भाई चल, ओए ओए ये देखो होशियार हो रही है, देखो पर अकड़ा रही है कि भाई अगर ये मेरे अंडे के ऊपर इसने हमला किया तो मैं इसके ऊपर हमला कर दूंगी, नहीं करता हमला, जल्दी से बैठ जाओ अंडे के ऊपर और हमें प्यारे से डव्स के बेबी दे दो। यार काफ़ी ज़्यादा यार मुझे खुशी हो रही है कि यार हमने आपके सामने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के तो बच्चे देख लिए थे, लेकिन यार अभी तक हमने कभी भी मैंने खासतौर पर आज तक कभी डव्स के बच्चे नहीं देखे, ठीक है, तो यार अगर माशाल्लाह से इनके बच्चे पैदा हो गए तो यार मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। अब ये मुझे पता नहीं है कि यार कितने दिनों के बाद ये अंडे तो खैर इन्हें कितने दिनों बाद ये बच्चे देते हैं, ठीक है, तो अगर आप में से किसी को पता है कि कितने दिनों बाद ये डव्स अपने बच्चे निकालते हैं, ठीक है, तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बता देना, इससे यार मुझे खुशी होगी, मुझे पता चल जाएगा। तो फाइनली यार ये तो बहुत गुड न्यूज़ है, मुझे बहुत अच्छी मिल गई, क्योंकि अभी तक हमने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के जो है ना तोते के अंडे नहीं देखे, क्योंकि वो अभी अंदर है, अभी फिर उसको बाहर निकालूँ लौट के बाहर निकालनी पड़ेगी, वो काफ़ी मेहनत वाला काम है, ठीक है, तो हमने उसका तो कन्फर्म नहीं है कि वो अंडे के ऊपर बैठी हुई है या नहीं बैठी हुई, क्योंकि मुझे कन्फर्म है भी सही यार, क्योंकि अंडे के ऊपर बैठी होगी तभी तो यार तीन चार
दिन से अंडा रहना, तो खैर उसका अंडा हमने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अंडा अभी तक मैंने उसका नहीं देखा, ठीक है। जैसा कि ये देखो हमने इसका देखा, ये देखो अंडे को नीचे हैच कर रही है, ये देखो ये नीचे हैच किया अंडे को, और ये अभी अभी बैठ जाएगी, देख लेना, ये देखो अंडे को हैच कर लिया इसलिए हमने नीचे, ठीक है। और अभी ये बैठ गई जी, देख लो माशाल्लाह यार, यकीन करें मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। हम दोबारा से जो है ना किसी चीज़ के बच्चे देखें, और बच्चे भी इस चीज़ के देखेंगे डब्स के, यार इतने प्यारे बच्चे होते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि यार जिस दिन से ये बच्चे थे, बस आप जिस दिन से नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दो कि यार डब्स कितने दिनों के बाद अंडे देती हैं, और सॉरी कितने दिनों के बाद बच्चे देती हैं। यार इसको देख रहे हो आप, ये जा रहा है गायना फॉल का बच्चा, यार ये जो है ना मुझे लगता है ये मर जाएगा, देख लेना ये मर जाएगा, यार ये बड़ा ही नहीं हो रहा, कितने दिन से हम ये इसको लेके आए थे, छोटा सा था ठीक है, और कम से कम इसको 3 महीने हो गए यार, इतना ही है ठीक है, बड़ा ही नहीं हो रहा बिल्कुल ही, और जो असील है इसको ना गर्दन से पकड़ के उठा लेते ऊपर ना, मुझे लगता है ये कभी ना इसी को मार देगा इसी को, क्योंकि यार ये बड़ा ही नहीं हो रहा ठीक है। मैंने सोचा था यार गायना फॉल के बच्चे लाएंगे और ना बहुत ऊँचा ऊँचा उड़ेंगे भाई, यहाँ से ऊपर उड़ जाएंगे, यहाँ से वो यहाँ उड़ जाएंगे, यहाँ से गेट पर चढ़ जाएंगे, और यार यकीन करो सारे के सारे मेरे उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया ठीक है। ये वाला जो बच्चा है गायना फॉल का, ये यार बिल्कुल भी बड़ा नहीं हो रहा ठीक है, मुर्गी के नीचे घुस जाता है बार बार, मुर्गी के साथ खड़ा होता है, फिर वो उसको मारते हैं ठीक है, क्या कह सकते हैं यार, बस दुआ करो यार जल्द से ये भी बड़ा हो जाए। तो बस यार ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, अच्छा लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।